सही मैं कोई वाह किया जाता है लाहौर के अंदर बड़े दोस्त हैं मले गुलाम हुसैन साहब तवज्जो रखें अब्दुल हफीज लाहौर के अंदर इंजीनियर हैं लेकिन इल्म भी रखें हैं और बा अमल शख्स भी हैं सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी है और सही मदीना मुनव्वरा तकरीबन 40,000 रियाल की तनख्वाह की दार 40,000 हिक्का बच्चिया हिक्का वो भी हाफिज कुरान अल्लाह ते हिक्को पुत्र अफ्तू साला बच्ची जवान मैं को आख्या हजरत तुस आओ मैं ही पाकिस्तान हम उन्हें जाना हजरत मेरी मैं अपनी धी दिया निकाह क्या करें ना ते बरात वैसी कराची लाहौर कुल कराची वैसी मेहरबानी फरमाओ तुस अपनी दुआ नाल मेरी बच्ची को रवाना चाहो मैं पहुंच रहा हूं निकाह थी गए निकाह थी उनके बाद मैं को घर गिन गए हाँ जी अपने दुआ भी चकरो मेरी बच्ची को नसीहत भी करो ते को रवाना चकरो मैं जल्द अंदर बढ़ा बच्ची फिर हाथ रखा मैं बेटी निमाज दी पाबंदी कर कुरान दी तिलावत करे ये हफ्ता पहले हफ्ता पहले 8 दिहाड़े पहले मैं अपनी बच्ची सुमैया दा निकाह की थे मैं ये एक को लफ्ज आखे बेटी निमाज पढ़े कुरान दी तिलावत करे अपने खावंद दे जायद हुक्म दी तामील करे अल्लाह को ते खावंद को राजी करे जन्नत दे देते हुण तू घर दी मेरी कहीं अमानत आई मैं ले दी थी साहब अमानत अल्लाह तेरे ते राजी हुए मैं तक माफ कर देता है बख्श देता है अगर मेरे कुल को तय थी वो तू ही बख्शी वन बख्शी मुसलमान वजह मैं उनको नसीहत की थी नमाज दी तेजले बच्ची उठी है ते अलविदा करने लगे दुआ की थी है तेजले घर के दरवाजे ते पहुंचे यही में घर को डिटे में चरा पास ते वाल रो के पया थी अब्बा मेरी अम्मा तो बीमार रहा है तेरी खिदमत कौन करे सी अब्बा तेरे कपड़े कौन धोल सी अब्बा अब्बा तेरे कपड़े इस्त्री कौन करे सी ए रोटी कौन पके सी अम्मा तो अक्सर बीमार होती है वाल अम्मा की खिदमत जी में खड़ गया अम्मा मैं तेरी खिदमत ना कर संगी अल्लाह वास्ते माफ कर चपक ते छोटा भी राय में खड़ा इक्को भी रहा दूसरा लगा उको बोसा जले डिटे से आकर भिरा मैं तो कितना गुले सा बहुत पर भाई बहन मेरे अखियां चू हंजू अब्बा भी रो पे अम्मा भी रो पे ते अब्बा ने आखे बेटी अगर मेरे रब का हुक्म ना हो मैं अपना लख्त जिगर की त्राड़ के न भेज देवा मैं रब दे हुक्म दी तामील क्या करे ना मैं अर्ज पिया करें ना मुसलमान तरबियत विजा था तरबियत कर औलाद दी तरबियत कर घर ही चाह इशा दी नमाज ते पा ई तरबियत कर ई तो तू बह बह के बाबा दे बुलंद आ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अखुना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओ मुसलमानो रात को कलमा पढ़ के तू सुंपो अल्लाह दी कसम सारी रात इबादत च लिखी वैसिया जले बच्चे जले बच्चे सुन सन बच्चियां सुन सन बीवी सुन सी कन्ना दोते कलमा तैयबा दा विद जले वैसी उन्हां दे दिल च भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी जरब जारी थी तो सी जेले तेरी आदत सी समझे वेले कलमा पढ़न दी अल्लाह दी कसम जेले मौत दी निंद्रा सी आ तेरी जबान ते कलमा तैयबा जारी थी बोसी फजर ने तू आ कुरान दी तिलावत कर कुरान झोली च रख ते पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون الذي قسم جل تم قرآن پڑھ سے رب دی رحمت وسن چنتی ویسی جیڑے جیڑے گھر وچ موجود ہو سن رب دی رحمت وچ رنگے ویسن او مسلمانو اج ساڈے گھر دے اندر شیطان پیا وسدا ہے رحمان ڈیرے چا چھوڑے اج قرآن دی تلاوت کونی اللہ دا ذکر کونی کلمے دا ورد کونی نبی تے درود کونی یا وجہ گھر دے اندر فساد وی ہے ناچاکیاں وی ہن پریشانیاں وی ہن مصیبتاں وی ہن تکلیفاں وی ہن بیماریاں وی ہن ہاں جن تو قرآن دی تلاوت کرے سے اللہ دی رحمتا سن برکتا وی تھی سن سلامتیاں وی تھی سن آپس وچ اتفاق وی تھی سی اتحاد وی تھی سی محبت وی تھی سی رحمت وی تھی سی رزق وچ برکت وی پوسیا عمر وچ برکت پوسیا اوقات وچ برکت پوسیا عزت وچ برکت آسیا قرآن دی تلاوت کرے سن